नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिल्ली से बड़ा अपडेट सामने आया है और उस अपडेट में लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। आपको बता दें, 2005 में जब नीतीश पहली बार बिहार के सीएम बने थे तब उनका कहना था कि झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य बनकर रह गया है। उसके बाद से नीतीश लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश ने कहा था कि एनडीए और यूपीए में से जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होगा हम उसका समर्थन करेंगे। बीते साल अक्टूबर में जब बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए तब भी विशेष दर्जे की मांग दोहराई गई। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष दर्जा दिए जाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, पर हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार के पास नहीं है। आपको बता दें, वर्तमान में देश में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हासिल है। लेकिन अब भी बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 275 में भी बताया गया है कि किन स्थिति में किसी राज्य को विशेष दर्जा मिल सकता है। जहां पहाड़ी या मुश्किल भौगोलिक स्थितियां हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिहाज से राज्य रणनीतिक महत्व का हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, आबादी का घनत्व कम हो या आदिवासी बहुल आबादी, या फिर आर्थिक और पिछड़ापन हो और राजस्व के स्रोतों की कमी हो, विशेष राज्य न मिलने से इस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। लालू बोले कि नीतीश ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, सेवा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सर पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चल रहा है, पूरी तरह से सर मरा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है इन लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया, पिछले बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें? हाँ। अब मोदी सरकार के इस फैसले से नीतीश को बड़ा झटका लगा है। देखने लायक ये होगा कि नीतीश आगे क्या फैसला लेते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।